नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनस्टिक्स। आज हम बताने वाले हैं इंडियन बैंक विथ हेडक्वार्टर्स। देखिए, पहले तो बता दूं, ये इंडियन बैंक्स जो हर एक इंडियन बैंक्स है उसका हेडक्वार्टर, उसका सीईओ और एमडी कौन है, उसका टैगलाइन कौन सा है। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आजकल बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत आता है, लेकिन दूसरे भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो बैंक है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता पे। इसका जो हेड है वो है एस मल्लिकार्जुन राव, और इसका जो टैगलाइन है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, डेफिनेटली याद रखिए। इसके बाद आता है आंध्रा बैंक की बारी। आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर है हैदराबाद पे, और इसका जो हेड है वो है जे पकीरस्वामी। ओके, तो डेफिनेटली इसका जो हेड टैगलाइन है वो है वेयर इंडिया बैंक्स। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई पे है। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट जो है वो स्टार दे रहा हूँ, वही आपको अच्छे से करना होगा। दूसरे भी देखिए, किंतु इंपॉर्टेंट जो स्टार मार्क्स दे रहा हूँ वो अच्छे से करके जाइए। मुंबई है इसका हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक का। अमिताभ चौधरी इसका एमडी और सीईओ है वर्तमान में, और बढ़ती का नाम जिंदगी इसका टैगलाइन है। बढ़ते हैं बंधन बैंक की तरफ। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता पे है, चंद्रशेखर घोष इसका एमडी एंड सीईओ रह चुका है अभी। आपका भला सबकी भलाई इसका टैगलाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर बात करें तो बड़ौदा में है इसका। संजीव चड्डा इसका एमडी है। इंडियास इंटरनेशनल बैंक इसका टैगलाइन है। बात करें अगर बैंक ऑफ इंडिया की, मुंबई हेडक्वार्टर, अतनु कुमार दास इसका एमडी और सीईओ, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकिंग इसका टैगलाइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट में है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर है पुणे पे। ए एस राजीव इसका हेड है। वन फैमिली वन बैंक इसका टैगलाइन। कनाडा बैंक की अगर बात करें तो बेंगलुरु है इसका हेडक्वार्टर। एल वी प्रभाकर इसका एमडी रह चुके हैं, और टुगेदर वी कैन इसका टैगलाइन। बढ़ते हैं कैथोलिटिक सीरियन बैंक, थियाशुर केरला पे इसका अवस्थान है, मतलब हेडक्वार्टर है। सी वी आर राजेंद्र इसका जो है हेड है। सपोर्ट ऑल द वे इसका टैगलाइन। बढ़ते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बारी। सेंट्रल बैंक मतलब मुंबई। पल्लव महापात्र इसका जो एमडी और सीईओ है अभी। बिल्ड बेटर फ्यूचर बेटर लाइफ, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस इसका जो टैगलाइन है। सिटी यूनियन बैंक इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु, और डॉक्टर एन कावाकोड़ी इसका एमडी है अभी। ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस इसका टैगलाइन। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर। पी वी वारती इसका एमडी। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इसका टैगलाइन। बढ़ते हैं देना बैंक की तरफ। देना बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई पे है। करम शेखर इसका अभी एमडी और सीईओ है। ट्रस्टेड फैमिली बैंक देना है तो भरोसा है। ओके, तो डेफिनेटली याद करके जाइए, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु पे है, मुरली एन नटराजन इसका हेड है। वी वैल्यू यू इसका टैगलाइन है। धनलक्ष्मी बैंक जिसका थिसूर केरला पे हेडक्वार्टर है, सुनील गुरबक्सानी इसका एमडी है। तन मन धन इसका टैगलाइन है। ई सी जी सी बैंक इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई, एम सनीनथनन इसका एमडी रह चुका है। यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स वी कवर द रिस्क इसका टैगलाइन। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है केरला, सैम श्रीनिवासन इसका एमडी। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसका टैगलाइन। अच्छे से याद करके जाइए, थोड़ा बहुत मुश्किल है इसको हर एक चीज को याद करके जाने के लिए, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल ये बहुत सारे एग्जाम में आ रहा है। अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की तो हेडक्वार्टर है मुंबई पे। शशिधर जगदीशन इसका एमडी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसका टैगलाइन। एचएसबीसी की अगर बात करें तो लंदन है इसका हेडक्वार्टर। नोएल क्वीन इसका एमडी है अभी, और वर्ल्ड लोकल बैंक इसका टैगलाइन। आईसीआईसी अगर बात करें तो आईसीआईसी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट, मुंबई है इसका हेडक्वार्टर। संदीप बक्सी इसका एमडी, हम है ना ख्याल आपका इसका टैगलाइन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक की अगर बात करें तो मुंबई है इसका हेडक्वार्टर। राकेश शर्मा इसका एमडी है। बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा बैंक ऐसा दोस्त जैसा इसका टैगलाइन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई पे है। विद्यानाथन इसका एमडी है। बैंकिंग हटके इसका टैगलाइन। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो चेन्नई है इसका हेडक्वार्टर। पद्मजा चंडुरु इसका एमडी रह चुका है। योर ओन बैंक इसका टैगलाइन।
इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक इंपॉर्टेंट रहता है, चेन्नई है इसका हेडक्वार्टर, पार्थ प्रतिम सेनगुप्त इसका एमडी रह चुका है, गुड पीपल टू ग्रो विथ इसका टैगलाइन। जो बड़ी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंडसलैंड बैंक, इंडसलैंड का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र, सुमन कटफालिया इसका हेड रह चुके हैं एमडी और सीईओ, वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर इसका टैगलाइन। बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की बारी, श्रीनगर में उपस्थित है जाकिर इकबाल इसका एमडी है, सर्विंग टू पावर। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक और हेडक्वार्टर्स। कर्नाटक बैंक मेंगालुरु कर्नाटक पे है, श्री महाबलेश्वर एमएस इसका हेड है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया इसका टैगलाइन। करूर वेस्ट बैंक करूर तमिलनाडु पे है, रमेश बाबू बंधु इसका हेड है अभी हाल ही में, स्मार्ट वे टू बैंक इसका टैगलाइन। अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है, उदय कोटक इसका हेड है अभी, लेट्स मेक मनी सिंपल अब कोना कोना कोटक, ओके इसका टैगलाइन। तो चले लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक में चेन्नई तमिलनाडु में उपस्थित है, सुब्रमण्यम सुंदर इसका एमडी है, चेंजिंग फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नैनीताल बैंक नैनीताल उत्तराखंड पे है, दिनेश पंत इसका हेडक्वार्टर हेड है और बैंकिंग विद पर्सनल टच इसका टैगलाइन है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसका हेड है गुरुग्राम हेडक्वार्टर, मुकेश कुमार जैन इसका हेड है, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड इसका टैगलाइन। चलिए बढ़ते हैं पंजाब और सिंध बैंक की बारी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, याद रखिए पंजाब एंड सिंध बैंक का जो हेड है एस कृष्णन, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ इसका टैगलाइन। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, मल्लिकार्जुन राव इसका हेड है, अ नेम यू कैन बैंक अपॉन इसका टैगलाइन। रत्नाकर बैंक मुंबई महाराष्ट्र पे है, श्री विश्वावीर आहूजा इसका हेड है, अपनों का बैंक इसका टैगलाइन। साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करें तो थीसोर केरला पे है, मुरली रामकृष्णन इसका एमडी रह चुके हैं अभी, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग साउथ इंडियन बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मुंबई है इसका हेडक्वार्टर, अश्विनी भाटिया इसका एमडी और हेड है, विथ यू ऑल द वे प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑन आश, आ बैंक ऑन द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, बहुत सारे टैगलाइन है अभी हाल ही में तो आप अच्छे से देख के जाइए। सिंडिकेट बैंक की अगर बात करें तो सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर मणिपाल पे है, मृत्युंजय महापात्र उसका हेड है, फेथफुल एंड फ्रेंडली इसका टैगलाइन। तमिलनाडु मर्सकेंटाइल बैंक की अगर बात करें तो तमिलनाडु पे है श्री थिरु के वी रामामूर्ति इसका हेड है और इसका टैगलाइन खास नहीं है कुछ तो दिया मैंने नहीं है। यूको बैंक की अगर बात करें तो यूको कोलकाता पे है, अतुल कुमार गोयल इसका हेड है, ऑनर्स विथ ऑनर्स योर ट्रस्ट इसका टैगलाइन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो मुंबई है, राजकिरण राय जी इसका हेड है, गुड पीपल टू बैंक विथ, ओके तो ये है इसका टैगलाइन। अगर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों अलग हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई है, यूनाइटेड बैंक का कोलकाता पे है, याद करिए। अशोक कुमार प्रधान इसका हेड है, द बैंक दैट बिगिंस विद यू इसका टैगलाइन। विजया बैंक की अगर बात करें तो बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, आर ए शंकर नारायण इसका हेड है, फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन इसका टैगलाइन। और आखिरी में जो बैंक आता है वो है यस बैंक, हाल ही में आप जानते होंगे यस बैंक खूब चर्चे में आया था, तो यस बैंक अच्छे से करके जाइए, मुंबई महाराष्ट्र पे इसका हेडक्वार्टर है, प्रशांत कुमार इसका हाल ही में हेड है और एक्सपर्टाइज आवर एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इज द थीम तो बोलते हैं टैगलाइन बोलिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, तो पूरा इंडियन जो बैंक है इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर मैंने डाला हुआ है, उसका हेड कौन है या फिर एमडी कौन है वो भी डाला हुआ है, इसके अलावा टैगलाइन में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो कैसे लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दिखाई देते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जब भी दूसरा वीडियो डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत आप उसको वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दिखाई देते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।